श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 49 अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण कार्य में प्रवृत्त होना। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए और न उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस ही मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरम्भ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढें, जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना, ये कार्य की सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेत छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरम्भ करें और सारे वन को ही छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरो, जो सबके लिए उचित हो वो कार्य आप ही लोग बतावें। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरो, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। ये सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थीं। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोद्रवन में और सप्तपर्ण चितवन के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महाप्राक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहां एक वृक्ष के नीचे गए और दो घड़ी तक वहां बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे।